माननीय सदस्य आप काफी थक गए बजे और यही माननीय सदस्य माननीय सदस्य बहुत अच्छा है बच्चे और यही वजह सरापन भाषण हो रहा है बच्चे। यही वजह है कि हम देश दुनिया में यह बात बोलते हैं कि हमारा कोप तो अधिक अध्यक्ष महोदय है, कोप तो अमीर है लेकिन गोद गरीब। यही प्रबंधन के अस्त व्यस्त होने की वजह से अध्यक्ष महोदय इतने दिनों में हम लोगों ने कोरोना संकट भी देखा अध्यक्ष महोदय, और इस कोरोना संकट में अध्यक्ष महोदय किस तरीके से आर्थिक रूप से हमें प्रताड़ना भी झेलना पड़ा। इन महानुभावों के दया से आरबीआई का कंसोलिडेटेड अकाउंट से बीबीसी का भरपाई के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए काट लिए। अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार बनते ही अभी तो एक ही ये है अध्यक्ष महोदय, कोल कंपनियों को लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का भुगतान का मांग रखा है अध्यक्ष महोदय, और वो हम लेके रहेंगे अध्यक्ष महोदय। वो राज का अधिकार है, वो तो वो अभी 1 तारीख को हम आपको बताने जा रहे हैं। हम लोग यू ही नहीं बात कर रहे हैं। रंदर जी बच बैठे, उनको मत डिस्टर्ब करिए, बैठने दीजिए। अध्यक्ष महोदय अभी बहुत जल्द नहीं, ये राशि बढ़ने जा रही है केंद्र सरकार। यही तो कलाकारी है अध्यक्ष महोदय, कलाकारी है। अधिकार हर हाल में देना पड़ेगा, नहीं तो इस बार हम लोग छीन के अपन लेने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। अगर हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो इस राज्य से जा रहे कोयला खनिज संपदाओं को में भी हम लोग बैरिकेड लगा देंगे, ताला लगा देंगे अध्यक्ष महोदय। कोर्ट तक आप चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ये जो षड्यंत्रकारी जमात है अध्यक्ष महोदय, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सभी संभ्रांत लोग हैं। ये लोग षड्यंत्र ऐसे रचते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका गर्दन कट गया। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, आज के अलग अलग मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से अनेकों तरीके के दुष्प्रचार, और ये लोग सरकार को उसकाने का काम कि सरकार किसी तरीके से कोई खराब या गलत निर्णय ले ले। ये सरकार अब इतनी कमजोर और मजबूर नहीं है। इस सरकार के कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा करके कोई काम नहीं करा सकते हैं।